हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केल्विन साइकिल, जो कि आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी की साइंस बुक से है। तो हम इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक को रीड करते हुए केल्विन साइकिल को समझेंगे कि केल्विन साइकिल क्या होता है। तो केल्विन साइकिल, जैसे हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था कि जो दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है डार्क रिएक्शन और एक होती है लाइट रिएक्शन। तो केल्विन साइकिल जो है वो आपके डार्क रिएक्शन का पार्ट है। तो जो आपके एटीपी और एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट हैं, अब वो कैसे यूज़ होते हैं डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम केल्विन साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो एटीपी और एनएडीपीएच जो कि लाइट रिएक्शन के समय में एज ए बाई प्रोडक्ट बने थे, उनका जो यूज़ होता है, उसके लिए क्या प्रोसेस होती है वो हम समझते हैं। सो वी हैव लर्न दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन मीन्स दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर एटीपी और एनएडीपीएच एंड O2। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ था वाटर के ब्रेकडाउन से और एटीपी और एनएडीपीएच बने थे। ऑफ दीज O2 डिफ्यूजेस आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट व्हाइल एटीपी एंड एनएडीपी आर यूज्ड टू drive the process leading to the synthesis of food, more accurately sugars. So जो oxygen बनी वो तो chloroplast के through वापस हमारे atmosphere में चली गई, लेकिन जो NADPH और ATP बने थे वो कहाँ use होते हैं? food की synthesis में। यानी food क्या होता है? जैसे कि sugars, या हम कह सकते हैं carbohydrate या starches के synthesis में ये ATP और NADPH का use होता है। So इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में एक आपने देखा कि लाइट एनर्जी, जो लाइट है, सनलाइट है, उसको ट्रैप करने की प्रोसेस है, जो कि दिन के समय में हुई थी। लेकिन दूसरा जो फोटोसिंथेसिस का फेज है, जिसमें कि हम कार्बन मॉलिक्यूल को फिक्स कर लेते हैं और उससे शुगर्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। सो दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट इज इनडिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। ये लाइट के ऊपर डायरेक्टली तो डिपेंडेंट नहीं है कि लाइट हो या ना हो, इस रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लाइट के इसके लिए जो बाय प्रोडक्ट है, जैसे इस रिएक्शन को होने के लिए जो बाय प्रोडक्ट है एटीपी और एनएडीपी, इसको चाहिए, तो वो तब बनेंगे जबकि लाइट रिएक्शन हो गई हो, ठीक है, या इन दोनों का फॉर्मेशन हो गया हो। तो ये इसलिए, इसके लिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनिशियल प्रोडक्ट का काम करते हैं, इसलिए ये इनडायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंडेंट है। बिसाइड्स O2 एंड H2O, यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड। तो हम इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? छोटे से सिंपल से एक्सपेरिमेंट से। कैसे? इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम। जैसे ही लाइट हम बंद कर देते हैं, जैसे कि शाम का समय हुआ और रात हो गई, तो कुछ देर के बाद एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि एटीपी और एनएडीपीएच तभी तक बनते हैं जब लाइट रिएक्शन या लाइट की प्रेजेंस में ही ये बनते हैं। तो उसके बाद क्या होगा? द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम। तो थोड़ी देर के लिए बायोसिंथेटिक प्रोसेस चलता रहता है, मतलब जो भी एटीपी एक्स्ट्रा बनी उसको यूज़ करते रहते हैं। देन एंड इट देन स्टॉप्स। इफ देन लाइट इज मेड अवेलेबल द सिंथेटिक पार्ट स्टार्ट्स अगेन। तो ये एक तरीके से हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और हमें पता लगाया कि एटीपी और एनएडीपीएच के प्रेजेंस में ही ये डार्क रिएक्शन होता है। अदरवाइज अगर एटीपी और एनएडीपीएच नहीं होंगे तो ये डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। सो कैन वी हैंड से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एट द डार्क रिएक्शन इज अ मिसनॉमर। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस फेज को डार्क रिएक्शन कहना मिसनॉमर है? यस, हम कह सकते हैं, क्योंकि ये डार्क में होता है नहीं, ऐसी कोई रीज़न नहीं है। बस लाइट रिएक्शन से इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसका नाम डार्क रिएक्शन रख दिया है, अदरवाइज ये लाइट इंडिपेंडेंट है। लाइट का नहीं होने से ये रिएक्शन होता है, ऐसा जैसे कि नाम से लग रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसको लाइट रिएक्शन से अलग कैटेगरी बनाने के लिए हमने इसका नाम रख दिया। अगर हम इसको बायोसिंथेटिक फेज बोले तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। नाउ लेट अस सी हाउ द एटीपी एंड एनएडीपीएच आर यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज। तो हम देखते हैं कैसे यूज होता है। वी सॉ अर्लियर दैट CO2 इज कंबाइंड विद H2O टू प्रोड्यूस CH2O। CH2O और ये N, यानी कि अब हम इसको C6H12
O6 ये लिख सकते हैं, जो कि हमारे शुगर का फॉर्मूला है। तो ये जनरल फॉर्मूला है शुगर का, CH2O और ब्रैकेट में N, कि ये रिपीट हो सकता है। सपोज N इज 6, देन C6H12O6। और शुगर्स, इनको हम शुगर्स या ग्लूकोज फ्रक्टोज कुछ भी कह सकते हैं। सो इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड, और रेदर वॉट वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन CO2 इज टेकन इन टू अ रिएक्शन और फिक्स्ड। तो साइंटिस्ट को ये लगा कि मान लेते हैं ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर से जो CO2 प्लांट लेते हैं अंदर, तो ये फिक्सिंग हो गई CO2 की, लेकिन जो पहला प्रोडक्ट है वो क्या बनता होगा, कौन इसको रिसीव करने के लिए आता होगा और पहला प्रोडक्ट क्या बनता होगा CO2 फिक्सेशन का। क्योंकि कार्बन में जो ये जो शुगर है, शुगर में जो कार्बन है वो 6 कार्बन होते हैं, तो एक एक कार्बन कैसे कैसे फिक्स हुआ और कैसे शुगर बनी और किस प्रोसेस से गुजरे, ये पहला क्या बना फिर दूसरा बना, कैसे हम शुगर तक पहुँचे, 6 कार्बन कैसे इकट्ठा हुए, इसको जानने की बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट में उत्सुकता थी। तो जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, अमंग द सेवरल एफर्ट्स टू पुट रेडियो आइसोटोप्स टू बेनिफिशियल यूज़, क्योंकि आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर टू में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे थे, तो रेडियो आइसोटोप एलिमेंट्स को जो यूज़ है वो एक हार्मफुल यूज़ था उस वक्त इसका, तो सब ने इसको कंडेम किया। लेकिन इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम बेटर यूज़ के लिए भी लगा सकते हैं, जैसे कि मेल्विन कैल्विन ने किया। उन्होंने इस रेडियो आइसोटोप को यूज़ किया, जैसे कि द यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव C14। सी एक्चुअली 12 कार्बन होता है, C12 जो होता है वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जो कार्बन 14 होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। बाय हिम इन एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीज लीड टू द डिस्कवरी डैट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वॉज ए 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। तो मेल्विन कैल्विन ने कार्बन 14 को यूज़ करते हुए ये एस्टैब्लिश किया कि जो फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट बाई प्रोडक्ट है या फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट है वो एक 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट द कम्प्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे। उन्होंने पूरा बायोसिंथेटिक पाथवे को बताया, मैकेनिज्म उसकी बताई और उसको डिस्कवर किया, हैंस और उन्हीं के नाम पे इस साइकिल का नाम कैल्विन साइकिल पड़ा। और द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वॉज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये कई बार आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वॉट वॉज द फर्स्ट बाई प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल, सो योर आंसर शुड बी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कितने कार्बन का रहता है, तो दिस इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, ये 3 कार्बन से बना रहता है, और इन शॉर्ट PGA, इसको PGA भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए कि इसको 3 PGA या PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरिक या 3 कार्बन कंपाउंड कुछ भी कह सकते हैं। सो हाउ मेनी कार्बन एटम डज इट हैव, इट हैज़ गॉट 3 कार्बन एटम्स। नाउ दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि कितने कार्बन रहते हैं उसमें। सो साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव PGA एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। साइंटिस्ट ने देखा कि प्लांट्स में तो कितना वेरिएशन है, कितने तरह के प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो साइंटिस्ट को ये लगा तो हमने तो ये एक्सपेरिमेंट एल्गी पे किया है, लेकिन क्या सारे ही प्लांट्स में ये जो फर्स्ट बाई प्रोडक्ट है वो 3 PGA होता है। तो जब वो ये टेस्ट करने लगे बहुत सारे प्लांट्स को लेकर के, तो उनको ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में कुछ ऐसे भी प्लांट्स मिले जिनमें कि फर्स्ट कार्बन का फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट है वो 3 PGA नहीं था, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटेड कंडक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स वेयर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन वॉज अगेन एन ऑर्गेनिक एसिड बट विथ हैड 4 कार्बन एटम्स इन इट। तो वो भी ऑर्गेनिक एसिड है लेकिन उसके अंदर 3 कार्बन ना होकर के 4 कार्बन से। सो दिस एसिड वॉज आइडेंटिफाइड टू बी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या OOA, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वो प्लांट जिनमें कि फर्स्ट बाय प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है उनको हम C4 प्लांट्स कहते हैं, C4 प्लांट्स कहते हैं। नाउ सिंस देन CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज सेट टू बी ऑफ 2 मेन टाइप्स। तो उसके बाद से ये एस्टैब्लिश हो गया कि 2 तरीके से CO2 एसिमिलेशन हो सकता है। दोज प्लांट्स इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज अ C3 एसिड और PGA, और उसको हम कहते हैं C3 पाथवे। और दूसरा पाथवे इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट वॉज ए सी
फोर एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो उसको हम कहते हैं सी फोर पाथवे। तो प्लांट में बेसिकली सी थ्री पाथवे के थ्रू कार्बन फिक्सेशन हो सकता है या फिर सी फोर पाथवे के थ्रू कार्बन फिक्सेशन हो सकता है। ये दो मेजर पाथवे हैं कार्बन को फिक्स करने के। सो दीज टू ग्रुप्स ऑफ प्लांट शोड अदर एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी विल डिस्कस लेटर। नाउ अगर हम प्राइमरी एक्सेप्टर देखें कि पहला प्रोडक्ट CO2 को फिक्स करने के बाद जो वो बनता है वो 3-PGA बनता है, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। लेकिन CO2 पहली बार किस कंपाउंड से रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाता है ये भी हमें जानना था, ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2? CO2 किसके साथ पहले रिएक्ट करता है, मतलब कि CO2 प्लस वॉट टू गिव यू 3-PGA, किसके साथ रिएक्ट किया CO2 ने, ये भी हमें जानना था। तो अगर हम ये देखें कि भाई CO2 में एक कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है, तो ये कंपाउंड ऐसा हो सकता है जिसमें कि 2 कार्बन हो, सब लोगों ने ऐसा ही सोचा, लेकिन ऐसा नहीं निकला, ठीक है। सो लेट अस नाउ आस्क अवरसेल्व्स अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय द साइंटिस्ट हु वाज स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द डार्क रिएक्शन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड ए मॉलिक्यूल हैव विच आफ्टर एक्सेप्टिंग और फिक्सिंग CO2 वुड हैव 3 कार्बन्स और PGA। सो सबने सोचा कि भाई 2 कार्बन का कोई कंपाउंड होगा जो CO2 से रिएक्ट कर रहा होगा और 3-PGA बना रहा होगा, सबको यही लगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। सो द स्टडीज वर अनएक्सपेक्टेडली शो दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वॉज ए 5-कार्बन कीटो शुगर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये आपसे नीट में पूछा गया है कि कौन फर्स्ट एक्सेप्टर है 3-PGA में। दिस इज अ 5-कार्बन कीटोज शुगर, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ये 5 कार्बन का होता है, कीटोज शुगर होता है, और उसका नाम है रिबुलोज बिस फॉस्फेट, और शॉर्ट में उसको हम RUBP भी कहते हैं। सो डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी? क्या आप सबने इस पॉसिबिलिटी को सोचा था कि कोई 5 कार्बन का कंपाउंड CO2 से एक्सेप्ट करेगा? तो अगर 5 CO2 के साथ 5 कार्बन का कोई कंपाउंड कर रहा है तो वो कितने कार्बन का कंपाउंड बनाएगा? 6 कार्बन का ये हो सकता है, लेकिन ये 3 कार्बन का कंपाउंड बना रहा है, यानी कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGA, ठीक है। सो डू नॉट वरी, द साइंटिस्ट ऑल्सो टुक अ लॉन्ग टाइम एंड कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट्स टू रीच दिस कंक्लूजन। सो दे ऑल्सो बिलीव्ड दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट वॉज ए 3-कार्बन एसिड, द प्राइमरी एक्सेप्टर वुड बी अ 2-कार्बन कंपाउंड। दे स्पेंड मेनी ईयर्स ट्राइंग टू आइडेंटिफाई अ 2-कार्बन कंपाउंड बिफोर दे डिस्कवर्ड अ 5-कार्बन RUBP। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कैल्विन साइकिल को, कि कैल्विन साइकिल में पूरी चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या होता है। नाउ कैल्विन एंड हिज को वर्कर्स देन वर्कड आउट द होल पाथवे एंड शोड दैट द पाथवे ऑपरेटेड इन अ साइक्लिक मैनर। उन्होंने पता लगाया कि जो पूरा पाथवे साइक्लिक फॉर्म में चलता है, गोल गोल चलता रहता है। सो RUBP वॉज रीजेनरेटेड। RUBP एक एंजाइम है, ठीक है, और ये जो एंजाइम है ये कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन में, ये एंजाइम रीजेनरेट होता रहता है, मतलब बार बार यूज़ होता रहता है। जैसे कि अगर आप स्कूल बस में जाते हैं अपने घर से स्कूल बस, ठीक है, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, तो बस क्या है, वो बस वापस जा के छोड़ के वापस आती है आपको छोड़ने, फिर वापस जाती है, फिर लेती है, आपके साथ कंज्यूम नहीं हो जाती है, ठीक है। तो ये वापस बार बार यूज़ होता रहता है ये एंजाइम। ये आप कह सकते हो जैसे आपका लंच बॉक्स है, आप उस लंच बॉक्स में रोज़ अपना खाना लेके जाते हो, फिर वापस लंच बॉक्स ले आते हो, फिर अगले दिन वापस लेके खाना जाते हो उसी लंच बॉक्स में। तो यू कैन नॉट कंज्यूम और यू डू नॉट कंज्यूम योर लंच बॉक्स, बट यू कंज्यूम योर लंच। सो सेम हैपन्स विद द एंजाइम्स, एंजाइम्स डोंट गेट कंज्यूम इन साइड अ रिएक्शन, वो बार बार रीजेनरेट होते रहते हैं वही काम करने के लिए। तो RUBP इज ऑल्सो एन एंजाइम। So let us now see how the Calvin pathway operates and where the sugar is synthesized. तो हम देखते हैं कैसे ये ऑपरेशन होता है, कैसे इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। So let us at the outset understand very clearly that the Calvin pathway occurs in all photosynthetic plants. So this is also very important. Calvin cycle दुनिया भर में जितने भी प्लांट्स हैं सब में होता है। अगर कोई आपसे कहे कि C3 प्लांट्स में कैल्विन साइकिल होता है, C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल नहीं होता है, तो ये गलत है। C3 प्लांट्स में भी कैल्विन साइकिल होता है, C4 प्लांट्स में भी कैल्विन साइकिल होता ही है। दुनिया के जितने प्लांट्स हैं सब में C3 साइकिल तो चलता ही है।
सो इट डज नॉट मैटर वेदर दे आर C3 और C4 और एनी अदर पाथवे. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब अंडर 3 stages. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वॉट आर द 3 stages ऑफ कैल्विन साइकिल? सो यू मस्ट रिमेंबर इट. फर्स्ट स्टेप इज द कार्बोक्सिलेशन, मीन्स द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि नाम है आपको, कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन. देन रिडक्शन एंड देन रीजेनरेशन. रीजेनरेशन मीन्स कि RUBB का वापस से रीजेनरेशन. सो कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2. CRR से आप याद करते हो. CRR कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन. रीजेनरेशन तो हमेशा लास्ट में ही होता है. सो कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट. कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल वेयर CO2 इज यूटिलाइज फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP. RUBP का CO2 के साथ में फिक्सेशन होता है. सो दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज. एक एंजाइम है RUBP कार्बोक्सिलेज, वो RUBP और RUBP और CO2 का फिक्सेशन करती है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बनता है. ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड ना बनके 3 कार्बन का 2 कंपाउंड बनता है. ठीक है, 3 कार्बन का 2 कंपाउंड बनता है. सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA. सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो हैज एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, तो ये जो RUBP है इसके पास कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों ही एक्टिविटी है, इसके पास दोनों ही काम करने की शक्ति है. सो सिंस दिस एंजाइम इज ऑल्सो हैज एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, इट वुड बी मोर करेक्ट टू कॉल इट RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेशन. मीन्स कि ये एंजाइम दोनों ही चीज़ें कर सकता है. मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को भी मतलब से भी अटैच कर सकता है अपने आप को, और ऑक्सीजन को भी अपने अंदर अटैच कर सकता है, और किसी भी मॉलिक्यूल को ऑक्सीजनेट कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है. ठीक है, तो इसीलिए इसका पूरा नाम है रिबिस्को, RUBP कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों को, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज दोनों ही रिएक्शन ये परफॉर्म करता है. नाउ दिस इज अ फ्लो चार्ट, आप देख सकते हैं पूरा साइक्लिक रिएक्शन है ये दिया गया है कि कैसे ये कैल्विन साइकिल परफॉर्म होती है. तो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें वो है आपका कार्बोक्सीलेशन. तो यहाँ पे क्या होता है, RUBP रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, ये एक 5 कार्बन कीटोस शुगर है. ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, एटमॉस्फेयर से CO2 आता है और वाटर भी आता है, तो यहाँ पे RUBP के साथ में कार्बोक्सीलेशन होता है, यानी CO2 का फिक्सेशन होता है. ठीक है, और उस फिक्सेशन से हमें क्या मिलता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-PGAB कहते हैं. ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGA हमें यहाँ मिलता है. फिर कार्बोक्सीलेशन के पास सेकेंड स्टेप है रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स यहाँ एक ATP और NADPH, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपका लाइट रिएक्शन के समय में ये दोनों मॉलिक्यूल्स बने थे. ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे ये यूज़ होता है, ATP और NADPH यहाँ खर्चा होते हैं और बदले में ADP और NADP बनता है. और ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स को ट्रायोस फॉस्फेट में रिड्यूस करते हैं. मींस कि ट्रायोस फॉस्फेट से आपका बनता है स्टार्च, सुक्रोज, जो भी आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या सुक्रोज मॉलिक्यूल्स या स्टार्च मॉलिक्यूल्स, इन सब का फॉर्मेशन होता है, या आप कह सकते हो सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे. फिर देन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब बन जाता है तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये RUBP कार्बोक्सिलेज रिडक्सेज वापस से रीजेनरेट होता है. रीजेनरेशन में भी हमें एक ATP मॉलिक्यूल यूज़ करना होता है, तो वापस से आपका RUBP बिसफॉस्फेट रीजेनरेट हो जाता है और ATP यहाँ बनता है. तो बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, 1 कार्बोक्सिलेशन, 2 रिडक्शन, देन 3 रीजेनरेशन. तो इस तरीके से 3 स्टेप हैं. तो टोटल आपकी जो कैल्विन साइकिल है उसमें कितने ATP मॉलिक्यूल यूज हुए, यहाँ पे आप देखो ये 1 ATP है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH. ठीक है, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो यहाँ पे 2 ATP, 2 NADH और यहाँ 1 ATP, तो टोटल 3 ATP मॉलिक्यूल्स एंड 2 NADPH मॉलिक्यूल्स पर यूज्ड फॉर द कैल्विन साइकिल. नाउ द सेकेंड स्टेप को अगर हम रीड आउट करें कि सेकेंड स्टेप में क्या होता है,
देन दीज आर ए सीरीज ऑफ रिएक्शन डैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. द स्टेप्स इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फोटो फॉस्फोराइजेशन एंड टू ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड. तो एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए दो ATP और दो NADPH मॉलिक्यूल्स का यूज होता है. यूज ऑफ NADPH फॉर पर CO2 मॉलिक्यूल. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. कई बार हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टर्न्स ऑफ साइकिल चली. तो 6 टर्न्स. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. 6 टर्न्स चली फॉर द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड सॉरी फॉर वन फॉर द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. ओके, नाउ जो थर्ड स्टेप है रीजेनरेशन. रीजेनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RuBP यानी रिबुलोज बिस्फॉस्फेट इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू. अगर ये खत्म हो जाएगा तो साइकिल कैसे वापस से कंटिन्यू करेगी. तो इस मॉलिक्यूल का रीजेनरेट करना बहुत ज़रूरी है. सो द रीजेनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP फॉर द फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म द RuBP. तो वापस ये RuBP मॉलिक्यूल बनाने के लिए 1 ATP मॉलिक्यूल का जो है यूटिलाइजेशन यहाँ पे होता है. ठीक है, ताकि RuBP रीजेनरेट कर सके. तो इससे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH आर रिक्वायर्ड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो बच्चे कई बार 2 मॉलिक्यूल्स कर देते हैं, बट 3 मॉलिक्यूल्स. 2 मॉलिक्यूल्स तो आपका रिडक्शन स्टेप में चला, पर एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP एक्स्ट्रा लगता है रीजेनरेशन ऑफ द RuBP. सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH आर रिक्वायर्ड. सो इट इज़ प्रॉबली टू मीट दिस डिफरेंस इन नंबर ऑफ ATP एंड NADPH यूज इन द डार्क रिएक्शन दैट द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस. सो to make one molecule of glucose 6 turns of the cycle is required. This is also very important. Now work out how many ATP and NADPH molecules will be required to make one molecule of glucose through the Calvin pathway. So this is very very important. For one molecule of glucose 6 molecules of CO2 need to be fixed. That is 6 turns of the Calvin cycle needs to be done. And for the 6 CO2 molecules to get fixed, we need 18 molecules of ATP and 12 molecules of NADPH. So this is very very important. ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. तो 18 ATP मॉलिक्यूल्स एंड 12 NADPH मॉलिक्यूल्स एंड 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल इज रिक्वायर्ड टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन अ प्लान. सो आई होप कि आपको कैल्विन साइकिल अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे C4 पाथवे की. थैंक यू सो मच.